ऐसा लगता है कि अभी अभी आ रहे हैं भवंते। महाराज मनु ने कहा धीरज रखो, इतने ही में तृप्त हो गई हो तुम, हेल्थ मिल गई बस तृप्त हो गई हो। केवल तुम्हारा लक्ष्य स्वास्थ्य बनाना था कि परमात्मा को प्राप्त करना। अच्छा बोलो, आजकल लोग हेल्थ बनाने में लगे हुए हैं, परमात्मा को प्राप्त करने में नहीं लगे हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम लोग व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, अमावस का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं। व्रत इसलिए करते हैं कि भगवान मिले। मैंने कहा मूर्ख मत बनाओ, जिस दिन तुम व्रत करते हो उस दिन 1000 रुपया का पेमेंट हो जाता है फलाहार में। बोलो होता कि नहीं होता? जिस दिन लोग व्रत करते हैं उस दिन 1000-2000 का फलाहार बन जाता है कि नहीं बन जाता? भोजन से ज्यादा महंगा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत कर रहे हैं कि हेल्थ बनाने के लिए कर रहे हैं? बोलो भाई, झूठ क्यों बोलते हो? ये व्रत का नाटक क्यों करते हो? याद रखना, व्रत तो ये है जो मनु जी कर रहे हैं। बोलो है व्रत कि नहीं? ये मनु जी जो कर रहे हैं यही व्रत है। ये नहीं कि 5 किलो कलाकंद खा गए और 500 ग्राम मलाई खा गए, बोले एकादशी हो गई, एकादशी हो गई, बहुत बढ़िया एकादशी रही आज, तो क्या पूछना। ये व्रत है, ये व्रत नहीं है प्यारे। केवल मात्र फलाहार हो, लघु मात्र फलाहार, अल्पाहार। फलाहार में भी अल्पाहार, जिससे हमारा शरीर शिकस्त ना हो जाए, हम कम से कम चलने फिरने की क्षमता रख सकें, इसके लिए हम मात्र फलाहार में भी अल्पाहार लें, स्वल्पाहार जिसको कहते हैं, ठीक है ना? तब माना जाएगा कि सच्चा तुम व्रत कर रहे हो, सच्चा व्रत तभी माना जाएगा। समझ लो, एक बार हम क्या बतावें आपको, एकादशी के दिन एक महात्मा मेरे पास आ गए, बोले स्वामी जी एकादशी है, मैं तो व्रत हूं। मैंने कहा हमारे यहां फलाहार बनता है भंडारे में, तो वो तो सभी के लिए बनता है। बोले महाराज जी वो हम भंडारे में गए थे तो पंगत तो हो चुकी है अब। मैंने कहा अच्छा, तो कोई बात नहीं है, तब मैं व्यवस्था किए देता हूं, समय से आप नहीं आए लेकिन आ गए हो तो आपको फलाहार मिलेगा। मैंने कहा फलाहार में आप क्या लेते हैं ये बताएं, आप बताएं फलाहार में। बोले महाराज जी 5 किलो आम और 5 किलो कलाकंद और 3 किलो दही और 2 किलो रबड़ी, इतना ही मंगा दो बस पर्याप्त है, क्या मैं कोई राक्षस हूं साधु हूं? मैंने कहा देखो ये लंबा बजट। बोले इतना ही पर्याप्त है फलाहार? सीधी सी बात, हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं। नहीं नहीं, ये सिद्धांत नहीं होना चाहिए, हम खाने के लिए ना जिए, हम अपने लिए ना जिए, हम तो अपनों के लिए जिए और भगवान के लिए जिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, ये सिद्धांत होना चाहिए। महाराज मनु अपने लिए नहीं जी रहे हैं, बोलो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? ये जो तपस्या कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं? बोलो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं कि नहीं? अगर मनु जी तपस्या न किए होते तो प्रभु श्री राम का जन्म होता क्या? प्रभु श्री राम का जन्म नहीं होता प्यारे। ये जन्म की कथा मैं आपको सुना रहा हूं, ये बड़ी मार्मिक कथा है, इस कथा को सुन लोगे मन से तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सारी की सारी भ्रमात्मक स्थितियां समाप्त हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं निचोड़ सुना रहा हूं, सार सुना रहा हूं। महाराज मनु को वाणी सुनाई दी तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवै भवंते आए, जैसे अभी भवंते चले आ रहे हूं। वाणी ने कहा, ब्रह्मनाद हुआ, ब्रह्मवाणी बोली, मांगो मांगो मांगो, जो मांगोगे हम देने को तैयार हैं, मांगो।
मनु जी ने कहा देने वाला जब तक सामने नहीं आ जाएगा तब तक हम क्या मांगे, देने वाला सामने तो आवे। ब्रह्म की वाणी ने कहा कि मैं दे तो सकता हूं, ब्रह्म बोला मैं दे सकता हूं, वाणी बोली मैं दे सकती हूं, लेकिन वाणी ने कहा कि मैं आ नहीं सकती हूं, ब्रह्म कहता है मैं आ नहीं सकता हूं, दे सकता हूं। मनु जी ने कहा आप क्यों नहीं आ सकते हैं ये बताओ, मनु जी ने कहा आप आ क्यों नहीं सकते हैं, भगवान ने कहा इसलिए कि मेरा कोई आकार नहीं है, आकार हो तब ना आवे, मेरा कोई आकार ही नहीं है इसलिए मैं क्या दे दूं आके, वैसे दे सकता हूं जो मांगोगे। मनु जी ने कहा जिसका कोई आकार नहीं है मेरी दृष्टि में वो बिल्कुल बेकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है मेरी दृष्टि में वो बिल्कुल बेकार, आपको देना है तो आकार लेकर के आना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या भक्तों को आपने दर्शन नहीं दिया? भगवान ने कहा दिया, तो यदि भक्तों को आपने दर्शन दिया है तो क्या मुझे दर्शन नहीं दे सकते? वाणी ने कहा कि भक्तों ने आकार स्वयं दिया मुझे, और जो भक्तों ने आकार दिया उसी आकार को लेकर के मैं आ गया, मेरा अपना कोई निजी आकार नहीं है। एक संत ने तो बहुत अच्छी बात कही, क्या, ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं। बोलो भाई, भक्त जैसा आकार देता है भगवान उसी आकार में आ जाते कि नहीं आ जाते? कौन नहीं जानता है, भक्त प्रहलाद ने भगवान का आकार चाहा तो खंभ से नृसिंह बन करके प्रकट हो गए और भक्त प्रहलाद को दर्शन दे दिए। बोलो दे दिए कि नहीं दे दिए? नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। कौन नहीं जानता है कि मीरा को विष के प्याले में ही श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो गए, वो विष ही भगवान बन गया। बोलो बन गया विष भगवान कि नहीं? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भक्त जो आकार देता है भगवान उसी आकार में प्रकट हो जाते हैं। मनु यदि तुम चाहते हो कि मैं आकार लेकर के आऊं तो मुझे कोई आकार दो, मैं वही आकार लेके आऊंगा। मान लीजिए मैं अपने पसंद का आकार लेके आ गया और तुमने कह दिया हमें ये पसंद नहीं है, तो हम फिर मेकअप करें जाके वापस जावे फिर मेकअप करें, तो ये उचित नहीं होगा, इसलिए तुम ही बता दो आकार दे दो हम उसी आकार में आ जाएंगे। अब मनु जी आकार दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया। जो स्वरूप बस अरे शिव मन माही, और जहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन अरे मानस हंसा, अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण ताल है, वही रूप लेकर के आप प्रकट हो जाएं। अच्छा आप सब जानते हैं भगवान शंकर के हृदय में कौन सा रूप हृदयस्थ है,
अब थोड़ा सा इस पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जो स्वरूप बस्यु मन माही, शंकर जी के मन में कौन सा रूप बसा हुआ है, शंकर जी के हृदय में कौन सा रूप हृदयस्थ है। अच्छा भाई, आप जिसके नाम का जप करते हो, ईमानदारी से बताओ, वही परमात्मा आपके हृदय के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित आएगा। और शंकर जी जिसके नाम का जप करते हैं, वही भगवान शिव के हृदय में हृदयस्थ है। तो अब शंकर जी से पूछा गया कि आप किसके नाम का जप करते हैं, तो शंकर जी, तो तुम पुनि राम राम दिन राती ओ सादर जपहू अनंग अरात। बोलो भगवान शंकर दिन रात राम 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 राम, बोलो यही जपते हैं कि नहीं? तो शंकर जी के हृदय में राम जी बैठे कि नहीं बैठे? और बोलो आज मनु जी सगुण साकार रूप में श्री राम को ही प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ महाराज करेंगे, तब तक एक सज्जन खड़े होके बोले, महाराज जी रुको 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 रुको। मैंने कहा क्या बात है क्या बात है? बोले इसमें हमें शंका है। मैंने कहा शंका क्या है? बोले आपने ये कहा तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहू अनंग अराती, राम 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 दिन रात शंकर जी जपते हैं। हमने कहा जपते हैं, तो फिर गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा कि राम राम शिव सुमरन लागे तो जाना सती जगतपति जागे। इसका मतलब सोए थे तभी जगे, तो दिन रात कहां हो गया? अब कहां दिन रात है आप ही बताएं। मैंने माथा पकड़ लिया, क्या बताऊं इसको, क्या समझाऊं कैसे समझाऊं। अच्छा चौपाई ये भी है कि नहीं, राम राम शिव सुमरन लागे तो जाना सती जगतपति जागे। और एक चौपाई यह भी है जो मैं कह चुका हूं, तुम पुनि राम राम दिन राती, दिन और रात। तो कहे महाराज दिन रात अगर राम 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 शंकर जी जपे, तो फिर ऐसा क्यों लिखा कि जाना सती जगतपति जागे? जागे वानी सोए थे, तो सोए थे तो राम राम कैसे कहे, आप ही बताओ। मैंने कहा शास्त्र कहता है, तुम समझते नहीं हो, शास्त्र कहता है, शास्त्र की बात माननी चाहिए। तो बोले शास्त्र क्या कहता है आप बताइए। शास्त्र कहता है कि आप जब सोने लगे तो सोने के पहले आप राम 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 कह के सो जाएं, और जब जागने लगे तो राम 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 कह करके जागें। इससे होगा क्या? शास्त्र कहता है इससे ये होगा कि कोई भी प्राणी राम 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 कह के सोएगा और राम 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 कह के जगेगा, तो सोने और जागने के मध्य में जितनी भी श्वासाएं चलेंगी वो सब राम नाम के भजन से जोड़ दी जाएंगी, इसलिए सोते समय भी आपका भजन ही माना जाएगा। अब बोलो इसमें कोई घाटा है? ईमानदारी से बताओ। अब किसी भी पार्टी का आदमी हो राम राम कह के सो जावे तो कोई दिक्कत है? बताओ भैया कौन परेशानी की बात है? फायदा ही है कि राम 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 कह के हम सो रहे, राम 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 कह के हम जगे, यही नियम है। वो आजकल बड़ी विडंबना है, आजकल लोग सोते हैं तो राम 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 कह के नहीं सोते, आजकल लोग टेलीविजन देख के सोते। बोलो सोते कि नहीं सोते? घर घर में टीवी लगी है, टीवी देख के सोते हैं लोग। अच्छा जब जगते हैं तो राम 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 कह के नहीं जगते हैं? शंकर जी राम राम कह के जगे, पार्वती जी समझ गईं, सती जी समझ गईं, मेरे पति जग गए क्योंकि राम राम कह रहे। वो आजकल की पत्नी समझ जाती है, पति जब जगता है कब समझती है? पति राम राम कहे तब नहीं समझती पत्नी जग गए, पति कहे चाय 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 तो पत्नी समझ जाती जग गए जग गए जग गए जग गए, तुरंत चाय की व्यवस्था करो। अच्छा बोलो चाय बना के ले जाती है बेड़ई पे बैठे बैठे पी लेते हो कि नहीं पी लेते हो? वो चाय है कि जहर है सोचो जरा। और मैं कहता हूं कि चाय चाय कह के तुम जगे तो दिन भर तुम्हारा चाय 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 में निकल गया।
चाय चाय का मतलब है अशांति। क्यों चाय चाय का मतलब क्या है तुम सब जानते, हमारी भाषा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चाय चाय का मतलब है अशांति। मैं दावे से कहता हूं चाय चाय कह करके मत जगो प्यारे, राम राम कह करके जगना। जो राम राम कह करके जगते हैं उनका पूरा दिन शांति में व्यतीत होता है, शांति में गुजर जाता है, क्योंकि राम राम से शांति मिलती है। राम जी के नाम से क्या मिलती है? शांति मिलती है। बोलो मिलती है कि नहीं मिलती है? राम नाम इसलिए लिया जाता है, राम नाम का जप इसलिए किया जाता है क्योंकि शांति का अनुभव होता है। शांति प्राप्त करना है तो राम राम जपो। मैंने कहा इसलिए भ्रम दूर करो, शंकर जी का 24 घंटे का राम राम जपना माना जाएगा क्योंकि श्वासाओं से वो राम राम ही निकलेगा। इसलिए सोने की स्थिति में जो श्वासाएं निकली हैं वो सब राम नाम के संकीर्तन से जोड़ दी जाएंगी, भ्रम उसका दूर हुआ। अब यहां महाराज मनु कहते हैं कि जब तक आप सामने नहीं आ जाएंगे, और आकार में वही दे रहा हूं जो भगवान शंकर के हृदय में हृदयस्थ है, जो भुसुंडी जी के मन मानस में हृदयस्थ है, मन मानस में स्थित है, जो भुसुंडी के मन मानस में स्थित है, जो शिवजी के हृदय में हृदयस्थ है, वही आकार लेकर के आप आ जाएं, तो शंकर जी के हृदय में कौन सा रूप है? राम 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 राम। और राम कौन है? रघुवंश भूषण राम। बोलिए रघुवंश भूषण राम की जय। वही राम है। इसलिए नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजय तन शोभान रखी कोटि कोटि सत्काम। बात समझ में आ गई? नील सरोरुह नीलमणि नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम। बोलो वही नीलाम्बुजश्याम है कि नहीं? हमारे राम जी कैसे हैं? नीलाम्बुजश्याम है कि नहीं? और नील सरोरुह नीलमणि नीर नीरधर श्याम सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो कहा मनु अब मैं आ गया हूं, एक काम करो जल्दी मांगो क्योंकि तुमने बुलाया मैं चला आया, कोई दूसरा बुलाएगा हमें जाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जो मांगो मैं फटाफट दूंगा और चला जाऊंगा, जल्दी मांगो। मनु जी बोले जल्दी जल्दी मत कहो, हमको इतनी जल्दी नहीं है, जब आप फुर्सत में हो तब आ जाना, अभी चले जाओ। अगर ज्यादा जल्दी है तो हमें जल्दी वल्दी की जरूरत नहीं है, आप तो फुर्सत में हो जाओ तब आओ आराम से, फिर मैं मांग लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। शत्रुपा जी बोली देखो आए हुए भगवान को वापस मत करो, मांग लो। मनु जी बोले अब तुम चुप रहो, तुम नहीं जानती हो, तुम शांत रहो, जो मैं कहूं उसको तुम स्वीकार करना। शत्रुपा जी ने कहा ठीक। आजकल की होती तो कहती तुम मांगना वांगना नहीं जानते, तुम पीछे हटो, मैं मांगूंगी। अभी देखो देने वाला भी घबरा जाएगा, ऐसा मांगूंगी, लेकिन कितनी मर्यादित है, पति ने इशारा किया तो तुरंत पीछे हट गई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई है, ऐसा होना चाहिए धर्म पत्नी को। मैं इसलिए कहता हूं कि हे भगवान, यदि समाज में नारी का स्वरूप होना चाहिए तो भगवती सीता जैसा होना चाहिए, और पुरुष का स्वरूप होना चाहिए तो श्री राम जैसा होना चाहिए। आज यही यज्ञ भगवान से मेरी कामना है, यही मन्नत मनौती है कि हे यज्ञ भगवान, समाज में पुरुषों को श्री राम से जोड़ देना और समाज की नारियों को भगवती सीता से जोड़ देना, यही कामना है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पत्नी सीता जैसी हो, क्यों? लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम ये चाहते हो कि हे भगवान हमारी पत्नी सीता जैसी हो तो तुम्हें राम जैसा बनना पड़ेगा, ये नहीं कि पत्नी सीता जैसी हो तुम खरदूषण हो, तो क्या मतलब निकला? कोई अर्थ निकला? इसलिए प्यारे राम तुम्हें बनना होगा,
तो निश्चित है कि तुम्हारी पत्नी सीता बन करके तुम्हें दिखाएगी। आज शत्रुपा जैसी मर्यादित पातिव्र धर्म का पालन करने वाली पति परायणा आज हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आप अपनी विधा से मांगे, आराम से मांगे, अपनी विधा से मांगे, क्या चाहिए। अब मनु जी कहते हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतीभाव। दान शिरोमणि, भगवान बोले डायरेक्ट मांगो, विशेषण विशेषण लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो सीधा मांगो, हम दे चले जाए। ये दान शिरोमणि क्यों कह रहे हो। मनु जी ने कहा मांगने का तरीका दुनिया वालों को बता रहा हूं, हमारी संतान मनु की संतान आगे होगी तो अपनी संतान को मैं ये संकेत दे रहा हूं कि मांगने का यही तरीका है, इसी विधा से मांगो। जैसे अति रुद्र महायज्ञ हो रहा है, 1111 कुंडात्मक अति रुद्र महायज्ञ। अब बोलो भाई, आप सबने सहयोग किया कि नहीं किया। सबने सहयोग न किया होता तो इतना बड़ा ये कुंभ कैसे लग जाता। ये विदिशा जिले का कुंभ नहीं है प्यारे, ये भोपाल संभाग का कुंभ नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश का महाकुंभ है। ये साधारण यज्ञ नहीं है, ये साधारण यज्ञ नहीं है, ये सौभाग्य जो आज तुम्हें मिला है। और मैं आगे इस यज्ञ की विशेषता बताने जा रहा हूं और रघुवंश की विशेषता भी बताने जा रहा हूं कि रघुवंश में कैसे कैसे यज्ञ हुए हैं। आखिर इक्ष्वाकु वंश रघुवंश के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ। इस वंश को, सूर्य वंश को स्थापित करने वाले महाराज इक्ष्वाकु हैं, लेकिन आज कोई इक्ष्वाकु वंश नाम नहीं लेता है, सब रघुवंश नाम लेते हैं। बोलो लेते हैं कि नहीं लेते। कैसे रघुवंश हुआ, किन विशेषताओं से हुआ है, बस ध्यान से सुनना, मन लगा करके सुनना, आगे वो सारी की सारी पारदर्शिता आपके सामने आ जाएगी और इसी कथा में आप सबको सुनने को मिलेगा। आज तो विशाल जन समुदाय जहां भी निगाह डाल रहा हूं वहां केवल हमें भक्ति ही भक्ति दिखाई दे रहे हैं। पीछे तक ये पांडाल भी बढ़ाया गया है साइडों में, लेकिन मैं देख रहा हूं देवियों की दीर्घा में देवियों ने अपना पांडाल को पूरा भर दिया है और पुरुषों की दीर्घा में पुरुषों ने इस पांडाल को भर दिया है। मुझे लगता है कि ये पांडाल बढ़ता रहेगा, आप बढ़ते रहेंगे तो पांडाल बढ़ता रहेगा, लेकिन भंडारा तो 10 तारीख को होगा। क्यों भाई, भंडारा तो 10 को ही होगा, विशाल रोज ही भंडारा चल रहा है। सामान्य यज्ञों में जैसे पूर्णाहुति के बाद भंडारा होता, वैसा तो प्रतिदिन भंडारा, उससे बड़ा रोज ही चल रहा है, प्रतिदिन भंडारा चल रहा है। वो भंडारा नहीं होगा 10 तारीख का, महाभंडारा होगा प्यारे, वो साधारण भंडारा नहीं होगा। ये कुंभ लगा हुआ है, ये महाकुंभ लगा हुआ है। आज महाराज मनु कहते हैं मांगने का तरीका मैं बता रहा हूं, क्योंकि यज्ञ के लिए आपने मांगा। अच्छा तो मांगने का, भगवान मुस्कुरा के बोले तरीका क्या है, जरा हमें भी बता दो। का यही तो दान शिरोमणि, आप दान शिरोमणि हैं, दानियों में शिरोमणि दानी। जैसे आप किसी कंजूस के यहां मांगने जाएं, समझना जरा तरीका, किसी कंजूस के यहां मांगने जाएं। एक सज्जन बोले महाराज कंजूस क्या होता है, कंजूस क्या होता है। मैंने कहा कंजूस अलग होता है, मक्खी चूस अलग होता है। बोले मक्खी चूस अलग, हमने कहा हाँ। बोले गजब की बात है, हमने कंजूस सुने थे, मक्खी चूस नहीं सुने थे। हमने कहा कंजूस और मक्खी चूस में इतना अंतर है क्या, जैसे घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी चूस घी को अलग नहीं करेगा, मक्खी को अलग कर देगा। वो कंजूस, कंजूस मक्खी को अलग कर देगा, और मक्खी चूस घी में मक्खी पड़ गई तो मक्खी को लेगा, फिर चूसेगा उसे, फिर अलग करेगा, ये मक्खी चूस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कंजूस और मक्खी चूसों की बात। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारे
पिताजी जो थे वो 10 ग्राम घी एक साल चलाते थे। हमने कहा 10 ग्राम घी एक साल तो गजब की बात है, क्यों 10 ग्राम घी कैसे चलेगा एक साल? बोले महाराज जी बात ये थी कि एक सीसी में उन्होंने घी रखा और ढक्कन खोलते थे भोजन के समय और सीधा सींक को डालते थे और दाल में घुमा देते थे और ढक्कन बंद करके। हमने कहा ऐसा तेरा बाप था? बोले हाँ महाराज जी, वो साल भर घी चला। हमने कहा गजब हो गया। एक बोला चुप कर, हमारे बाप तो ऐसे थे और बाप के बाप 3-4 पीढ़ी से 100 ग्राम घी खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने कहा तो तेरी 3 पीढ़ी से 100 ग्राम घी खत्म नहीं हो रहा वो कैसे? बोले इसके पिता और पितामह तो ढक्कन खोलते थे और सीख डालते थे और फिर दाल में घुमाते थे, हमारे पुरखे तो मैं ढक्कन ही के दाल में घुमा के सीधे रख देते थे, ढक्कन मक्कन खोलने की जरूरत ही नहीं। अब बोलो भाई ये स्थिति है, लेकिन याद रखना आप रघुवंशियों ने उदारता से दान किया है। रघुवंशी दानी होते हैं, दानवीर होते हैं, दान करना जानते हैं। रघुवंश के इतिहास में हम आपको कितने प्रकार के दानी हुए हैं अभी बताएंगे थोड़ी देर में, श्री राम के जन्म के पहले। और आपने दान दिया है, खुल करके दान दिया है, और जो नहीं दे पाए हैं वो निश्चित है कल परसों तक पेमेंट पूरा कर देंगे, है ना, कंफर्म है। क्योंकि रघुवंशी जो कह देते हैं वो करते हैं, इसलिए एक बार कह दिया तो कह दिया है, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए रघुवंशी जो कह देते हैं वही करते हैं प्यारे। तो आओ भगवान कहते हैं कि दान श्रोमणि, बोले विशेषता यही है, प्रशंसा करनी पड़ती है। किसी कंजूस के यहां लेने जाओ तो वो देना नहीं चाहता है, लेकिन आप जैसे ही पहुंचे तो ये कहें आपके पिताजी तो इतने उदार थे कि पूरे जिले में उनकी प्रशंसा हो रही है और आप उनसे 100 गुना उदार हैं। तो कुछ नहीं देगा तो कुछ देगा कि नहीं देगा, जल्दी बोलो। कंफर्म है कि कुछ ना कुछ जरूर देगा, मना नहीं करेगा। इसलिए मांगने का तरीका होता है प्रभु, इसलिए मैं मांगने का तरीका दुनिया को बता रहा हूं, आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ताकि दुनिया के लोग मेरी बात को सुन लें समझ लें। इसलिए दान शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो सति भाव, ओ चाहो तुम ही, आप ही को चाह रहे आपको। भगवान बोले ये तो विचित्र मांग है तुम्हारी, केवल हम तुम्हारे ही बंधन में बंध जाएं, तुम्हारे होके रह जाएं बस, फिर पूरे संसार का क्या होगा? इसलिए हमसे कुछ मांग लो, लेकिन तुम हम ही को मांग रहे हो। मनु जी बोले तो कोई बात नहीं है, तुम ही समान सुत, आप नहीं तो आपके समान कोई सुत हो उसे लेके आ जाओ, उसको दे दो। शत्रुपा जी बोली मांगना था तो सुत क्यों मांगा, इतना बढ़िया सुत घर ही में छोड़ के आए। और फिर सुत, अरे सुत जब नालायक हो तब दूसरे सुत की डिमांड करना चाहिए, क्यों भाई? और यदि सुत लायक है तो पूर्णता आ जाती है कि नहीं आ जाती है? अच्छा भाई बताओ, मनु जी का जो सुत था कल मैंने सुनाया था ना, लायक था कि नहीं था? पिता के पदचिन्हों पर चलने वाला था कि नहीं? परम आज्ञाकारी है कि नहीं? जब इतना बढ़िया सुत है तो उसी को बुला लेते, क्या दिक्कत थी? लेकिन डबल सुत ऐसा क्यों? मनु जी ने कहा अभी तुम चुप रहो, अभी तुम चुप रहो, मैं अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप नहीं आ सकते हो तो आपके समान अगर सुत मिल जाए तो उसको भेजो। भगवान बोले यही तो बात है, राम समान राम निगम कहें। बोलो राम जी के समान राम जी हैं, दूसरा कोई है? दूसरा कोई नहीं है। भगवान बोले दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे समान तो मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। कहे तो दूसरा नहीं है तो आप ही आ जाओ। आप सरिस खोजो कहां जाई, नृप तुय तनय होब में आई, नृप तुय
देखो डबल मेहनत पड़ रही है मेरे ऊपर, क्यों पड़ रही है कि नहीं, लेकिन तुम्हें आनंद मिल रहा है कि नहीं? सबने हाथ उठा दिए, आनंद मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, गन्ने को आनंद मिलता कि गन्ना का रस पीने वाले को मिलता? गन्ने के रस को पीने वाले को आनंद मिलता, मिलता कि नहीं मिलता? अच्छा गन्ने का रस एक गिलास पिला दिया जाए, फिर कहा जाए और हाँ बहुत अच्छा है और लाओ तिवारा में, हाँ बहुत अच्छा है और लाओ, लेकिन उस गन्ने से पूछो, देखा एक बार पेरा फिर दोहरा करके फिर तहरा करके, उसमें कुछ बचा ही नहीं। क्यों? मुझे लगता है कि 9 तारीख तक कुछ बचने दोगे साधु में कि सारा का सारा निचोड़ ले लोगे? चलो कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अपने भक्तों के लिए जी रहे हैं, इसलिए भक्तों के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भी ज्ञान है वो सारे ज्ञान को निछावर करके जाएंगे, लुटा के जाएंगे आप जैसे भक्तों के बीच में, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं मन से सुनाता हूँ, मस्ती से सुनाता हूँ और आपको प्रसन्न करता हूँ, राम कथा का सार सुनाता हूँ, निचोड़ सुनाता हूँ। हाँ ज्यादा हम गायन वादन में नहीं पढ़ते हैं, आप देख तो कभी कभी गा देते हैं, अब ये बेचारे ताकते ना रह जाएं इसलिए थोड़ा इनका भी मन रख लेते हैं, नहीं ऐसे ताके रहते महाराज, कभी हमको भी मौका दोगे कि नहीं? चलो तुम भी मौका ले लो, कोई बात नहीं है, तुम भी मौका ले लो, इसलिए इनको हम प्रोत्साहित कर देते हैं। ये बच्चे अच्छे वादक हैं, गायक भी अच्छे हैं, ये बड़े सुंदर, ये मणिराम जी, गंधर्व जी और ये चंद्र प्रकाश, ये सब लड़के अच्छे हैं। हाँ मैं तो वैसे एक बार हमने संगीतकारों को समय नहीं दिया तो संगीतकार पैर पकड़ के बोले महाराज आपको संगीत अच्छा नहीं लगता है, हमने कहा चुप रहो, संगीत हमें बहुत अच्छा लगता है, ये साम वेद है, ये साम वेद है, ये साधारण व्यवस्था नहीं है, इसको हम वेद के रूप में स्वीकार करते हैं, ये वेद की परंपरा है। बोले महाराज जी तो आपने मौका क्यों नहीं दिया, वैसे थोड़ा सा दे देते मौका संगीत में। मैंने कहा सुनो संगीत हमें हृदय से प्यारा है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम तुम्हें आज नहीं तो कल मौका दे देंगे, लेकिन संगीत तो सबको अच्छा लगता है, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है, अरे संगीत तो उसे भी अच्छा लगता है, सांप होता है ना सांप जिसमें बिसई बिस होता, क्यों सांप में क्या होता है, बिसी बिस होता, लेकिन संगीत बजा दो महुअर बजा दो तो ईमानदारी से बताओ जिंदगी दांव पर लगा देता है कि नहीं लगा देता, और झूमने लगता कि नहीं, संगीत के सामने फन हिला के झूमने लगता जिसमें विषय बिस है। हमने कहा जब विषधर संगीत का प्रेमी हो जाता है और झूमने लगता है जिसमें विषय बिस है, जब उसे संगीत अच्छा लगता तो हम क्या सांप से भी गए बीते हैं? क्यों भाई, अरे हमें क्यों नहीं लगेगा संगीत अच्छा, हमें बहुत प्रिय है संगीत, लेकिन हम कथा को मूल मानते हैं इसलिए कथा भाग ज्यादा कहते हैं, कभी कभी इन लोगों को मौका दे देते हैं, लेकिन मूल क्या है मेरे जीवन में, राम कथा। इसलिए तुम लोग भी मूल में क्या राम कथा ही सुनना चाहते हो ना, हाथ उठा के समर्थन करो, सबने हाथ उठा दिया कि मूल में राम कथा, क्या बात है। आए भगवान ने कहा मैं पुत्र बन के आऊंगा, मैं ही पुत्र बन के आऊंगा, चिंता मत करो, नृप तुए तने होब में आई, मैं पुत्र बन के आऊंगा। अब बगल में हाथ जोड़े सतरूपा जी खड़ी थी, सतरूप ही बिलोक कर जोरे देवी मांग बद जो रुचि तो, हे देवी समान रूप से तुमने तपस्या की है इसलिए तुम तपस्विनी हो, आप भी मांगो, जो आप मांगेंगी मैं वही दूंगा, हे देवी संकोच छोड़ो मांगो।
शत्रुपा जी मांगी कुछ नहीं, रोने लगी। भगवान बोले, अरे मुझसे कोई भूल हो गई क्या? हमने तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे देवी, आपके मन में जो रुचि हो मांग लो, लेकिन आप रोने क्यों लगी? शत्रुपा जी ने कहा, इसलिए रोने लगी हूं कि हे प्रभु, आज मुझे बड़ा कष्ट है। मैं तो समझ रही थी कि आपको प्राप्त करके मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ आपकी वाणी सुन करके। आपकी वाणी तो कष्ट को दूर कर देती है, आपकी कथा जो सुनता है उसका कष्ट दूर हो जाता है, लेकिन आपकी कथा मैं नैमिषारण्य में संतों के मुख से सुनती रही, और आज आपकी वाणी जब मैंने सुनी, डायरेक्ट वाणी, कष्ट मिल गया। आपकी कथा कष्ट का निवारण करती रही, लेकिन आपकी वाणी ने मुझे कष्ट दे दिया, ये समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोले, क्या कष्ट दे दिया मेरी वाणी ने? भगवान कांपने लगे, कहने लगे, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, बता तो दो आखिर क्या भूल हो गई मुझसे। शत्रुपा जी ने कहा कि अभी अभी आप कह रहे हैं देवी मांग बर, हे देवी वरदान मांगो। तो भगवान बोले, देवी संबोधन तो श्रेष्ठ संबोधन है। क्यों भाई, अगर किसी नारी को देवी कह दिया जाए तो श्रेष्ठ संबोधन है कि नहीं? तो ये तो श्रेष्ठ संबोधन है। मैंने देवी कहा तो ये तो श्रेष्ठ संबोधन है, इसमें परेशानी क्या, कष्ट क्या? शत्रुपा जी ने कहा, कष्ट इस बात का है कि आपने मेरे पति को पिता के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे देवी के रूप में स्वीकार किया है। अरे देवी नहीं, अगर मेरे पति को पिता माना है तो मुझे माता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी मैं प्रसन्न हूं। माता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। देवी में और माता में क्यों भाई? पुत्र कभी भी अपनी माँ से देवी नहीं कह सकता है। पुत्र जब भी कहेगा तब माता ही कहेगा कि नहीं कहेगा, बोलो भाई, कि देवी कहेगा? मोहल्ला पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, गांव गमैया सब कहें देवी, लेकिन पुत्र कहेगा जब भी कहेगा तो क्या कहेगा? माँ कहेगा, माता कहेगा। यदि आपने मेरे पति को पिता के रूप में स्वीकार कर लिया है तो मुझे देवी नहीं माँ के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। और क्षमा मांगते हुए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? माँ तू विवेक, माँ तू विवेक, अलौकिक तोरे ओ कबहु न मिटहि अनुग्रहि मोरे। माँ तू विवेक अलौकिक तोरे। बोलो, शत्रुपा जी को माँ कहा कि नहीं कहा? इस चौपाई में पहले कहा देवी, इसके बाद क्षमा मांगी, फिर क्या कहा? माँ कहा। बोलो, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके माँ बाप स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यह है भक्ति, यह भक्ति की शक्ति है। इसलिए भक्ति की शक्ति ये महाराज मनु और शत्रुपा की आज प्रसंग के माध्यम से देखने को मिल रही है। आज शत्रुपा जी ने कहा कि अपने पति से, महाराज मनु से कहा, स्वामी आपने पुत्र के रूप में परमात्मा को क्यों मांगा? आपने स्वामी के रूप में क्यों नहीं मांगा? आपने गुरु के रूप में क्यों नहीं मांगा? आपने भाई के रूप में क्यों नहीं मांगा? आपने पुत्र के रूप में ही क्यों मांगा? कहे, इसलिए पहले तो विचार नहीं था, लेकिन वाणी सुनकर के विचार बदल गया। वाणी सुनकर के क्यों बदला? का शरीर हमारा तुम्हारा अस्थि पंजर हो गया था कि नहीं? कहा, अस्थि पंजर शरीर तो हो गया था। का अस्थि पंजर शरीर हो जाने के बाद चैतन्यता, एक नई शक्ति का संचार, बोलो वाणी से हुआ कि नहीं हुआ? शत्रुपा जी बोली, हाँ हुआ वाणी से। बोले, बस ये वाणी का प्रभाव है। आज मैं दुनिया वालों को ये बता देना चाहता हूं कि पुत्र हो तो ऐसा पुत्र हो जैसा परमात्मा पुत्र बन करके आ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है
कि बाप यदि 8 घंटे परिश्रम करके घर में लौटे, 8 घंटा बाद घर में लौटे परिश्रम करके, अगर तुम किसान हो तो खेत में परिश्रम करके, खेत से परिश्रम करके घर में लौटो। तुम अगर व्यापारी हो तो प्रतिष्ठान से परिश्रम करके लौटो, अथवा तुम अधिकारी कर्मचारी हो ऑफिस में परिश्रम करके ऑफिस से 8 घंटे बाद लौटो। ईमानदारी से बताओ, पुत्र आपका घर में मिल जाए और आप 8 घंटे का मेहनत परिश्रम करके घर में लौटे हैं, आप खेत से मेहनत करके 8 घंटे बाद घर में प्रवेश किए हैं, और याद रखना आपका पुत्र आपसे ऐसा व्यवहार करे, ऐसी वाणी बोले कि 8 घंटे का परिश्रम 8 मिनट में दूर हो जाए। ईमानदारी से बताओ, उसी को पुत्र कहोगे कि नहीं कहोगे? बेटे की वाणी सुनकर के, संतान की वाणी सुनकर के, बेटे का व्यवहार देख करके पिता की थकान दूर हो जाए केवल वाणी सुनकर के, उसी को हम बेटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वही बेटा है। और हम मेहनत करके घर में आए और बेटा ऐसी भाषा बोला कि हमारा हार्ट अटैक हो गया, सुन के ही हम बेहोश हो गए। बोलो तो उसे हम बेटा नहीं कहेंगे, उसे हम चपेटा कहेंगे। वो बेटा बेटा नहीं है, वो केवल धन दौलत जमीन जायदाद लेने के लिए आया है, सेवा करने के लिए नहीं आया है। महाराज मनु कहते हैं, बेटा तो मुझे घर में भी अच्छा मिला था, लेकिन आज मैं वाणी से प्रभावित हुआ हूं कि ऐसा बेटा होना चाहिए। अरे मेरा बेटा वाणी से उतना मुझे प्रभावित नहीं कर पाया, वो सेवा करने का संकल्प लिया है, उसने संतुष्टि देने का प्रयास किया है, लेकिन आज दिखाई नहीं दिया ये ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म की वाणी ने ही हिस्ट पुष्ट कर दिया, ब्रह्म की वाणी ने ही चैतन्यता प्रदान कर दी। इसलिए आज मैं ये चाहता हूं कि असली पुत्र का सुख यदि मुझे मिला है तो इस वाणी से मिला है, इसलिए वाणी ही नहीं अब तो सशरीर पुत्र बन करके आ जाओ, बस मेरी यही इच्छा है और मेरी कोई कामना नहीं है, आप पुत्र बन करके आ जाओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, थोड़ा सा समय दे दो मुझे, समय, क्योंकि समय सबको चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो भाई, थोड़ा समय तो देना चाहिए, हर चीज में समय लिया जाता है। कहा मुझे समय दे दो। महाराज मनु बोले कितना समय दे दें? कहे बस थोड़ा सा समय, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा सा समय, आपको अपना रूप बदलना पड़ेगा, आपको इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। अच्छा तो कहां करना पड़ेगा, कौन जगह? वापस अपनी स्टेट में? ना 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 ना, अब आपको रघुवंश में प्रवेश करना पड़ेगा। किस वंश में करना पड़ेगा? रघुवंश में। क्यों? इसलिए कि रघुवंश में दानी है, तपस्वी है, सत्यव्रती है। इसलिए जिस वंश में दानी, तपस्वी, सत्यव्रती होते हैं, परमात्मा कहता है उसी वंश में मैं पुत्र बन करके पैदा होता हूं, पुत्र बन करके आ जाता हूं, इसलिए अब तुम्हें रघुवंश में प्रवेश करना पड़ेगा। बोलो भाई, मनु जी ने किस वंश में प्रवेश किया? रघुवंश में। ते दशरथ कौशल्यारूपा कौशलपुरी प्रगट नरभूपा कौशलपुरी प्रगट नरभू तिनके ग्रही अब तरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचारु भाई। मनु जी ने कहा अकेले आपको मांगा था, लेकिन आप अपने साथ 3 को लाएंगे? कहां 3 को लाएंगे, 3 हमारे सहयोगी होंगे। अच्छा 3 कौन कौन होंगे? कहा कि अब आएंगे तब बताएंगे, अब तसल्ली पकड़ो थोड़ा सा, अब अभी बताते हैं सब, लेकिन अभी तसल्ली पकड़ो। देखो अभी 5 बजा है,
और अभी राम जी का जन्म कराना, आज राम जी का जन्म हो जाएगा और राम जन्म के बाद ही आरती होगी। और चिंता मत करो, समय से राम जन्म, आज मैं समय से आया कि नहीं आया, शिकायत मिल रही थी, लोगों के फोन भी आ रहे थे, जो साधना चैनल के माध्यम से आपके यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं एवं कथा भी सुन रहे हैं, उन सब भक्तों ने दूर दूर से फोन किए और स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज ने भी प्रार्थना की, अपने प्रतिनिधि लखन दास को भेजा, कहा महाराज जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दीजिए कि सभी भक्तों की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा महाराज श्री को सुने, ज्यादा से ज्यादा जगत गुरु जी को सुने। अरे मैंने कहा चिंता मत करो, मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, और ज्यादा जल्दी हो तो हम सुबह क्या यहां से जाऊं ही नहीं, रात में मंचई पर लेट जाऊं, सुबह से बैठ जाऊं, सुबह से बैठ जाऊं, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, यज्ञ स्थल है ये, क्या दिक्कत की बात। लेकिन मैं समय से 3 बजे, ठीक 3 बजे आ गया था, आ गया था कि नहीं, 3 से 6 मेरा सुनिश्चित कार्यक्रम है, इसलिए मैं समय से आया। और देखो विलंब से आने का कारण थोड़ा वाहन वाहन विलंब से पहुंचा, और भीड़ भाड़ जाम फाम ये रास्ते में, क्योंकि थोड़ा दूर ठहरा हूं ना, नौलखी आश्रम में हमारी व्यवस्था, जो बेतवा घाट नौलखी घाट है उसमें बड़ी अच्छी श्री राम मनोहर दास जी महंत जी के यहाँ व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छा सुंदर दिव्य आनंद अनुभूति कर रहा हूं। तो आए आज राम जन्म की कथा, और ठीक 6 बजे आरती कराऊंगा ठाकुर जी की, राम जी का जन्म आरती। लेकिन देखें आप अब आगे का विस्तार, महाराज मनु को आश्वासन दे दिया कि आप अयोध्या के राजा होंगे, रघुवंश के सम्राट होंगे, चक्रवर्ती होंगे, आपका नाम श्री दशरथ होगा, और आपकी पत्नी शत्रुपा ये कौशल्या होंगी, महारानी होंगी अयोध्या की, इनका नाम कौशल्या होगा, ये रघुवंश की महारानी होंगी, इसलिए आप उस वंश में जन्म लेंगे और उसी वंश में मैं आऊंगा। बहुत बढ़िया बात साहब, भगवान ये कह के चले गए, धीरज रखा। महाराज मनु दशरथ के रूप में अवतरित हुए, महारानी शत्रुपा कौशल्या के रूप में अवतरित हुई, परंतु 60,000 वर्ष के हो गए महाराज दशरथ, 60,000 वर्ष के, याद रखना, ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दे रहा हूं आपको, 60,000 वर्ष के हो गए महाराज श्री दशरथ, लेकिन पुत्र नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, संतान ही नहीं हुई। अब कल्पना करो, कोई आदमी 60 साल का हो जाए तो संतान की आशा छोड़ देता कि नहीं छोड़ देता, बोलो छोड़ देता, 60 साल का ही हो जाए बहुत है, अब तो संतान की आशा ही छोड़ देता कि अब तो 60 वर्ष के हो गए। दशरथ जी तो 60,000 वर्ष के, लेकिन कल्पना करो आप, 60,000 वर्ष में पुत्र नहीं हुआ। एक दिन की बात, अरुंधति जी ने, माता अरुंधति जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप रघुवंश के कुल पुरोहित हैं कि नहीं। अब कहां से प्रारंभ होता है यह प्रसंग और कैसे इसका विस्तार होता है, जरा समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं। माता अरुंधति ने कहा, माता अरुंधति ने कहा, हाँ माता जी आराम से बैठ जाएं, आशीर्वाद है मेरा, माताएं जहां बैठी हैं वहीं बैठे, मेरा आशीर्वाद है, और ये बहुत भावुक हैं इसलिए श्रद्धा से प्रणाम करने आई हैं, अब ये माताओं की दीर्घा में बैठे, जय हो, आशीर्वाद।